हेलो दोस्तों, आज हम गए हैं माँ शीतला मंदिर प्रवेश द्वार के सामने। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाथ जोड़ने के बाद फिर आगे को प्रवेश करेंगे। आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाएंगे यहाँ के शीतला मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए शीतला मंदिर, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ। आप लोग भी आइए, मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं रवाना हो रहा हूँ हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी का काफी जबरदस्त ब्लॉग लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। वहाँ जाने वाला हूँ शीतला मंदिर। शीतला मंदिर का काफी जबरदस्त मंदिर है, वहाँ जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। तो अभी फिलहाल मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ और वहाँ का सुपर सा ब्लॉग आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो चल रहा हूँ अभी दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। ये हल्द्वानी मेन हल्द्वानी है। हल्द्वानी से हम थोड़ा सा हम शूट कर रहे हैं वीडियो। ये देखिए, यहाँ पे गुलदस्ते देख रहे होंगे, एक से एक गुलदस्ते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आगे को चलेंगे, फिर वहाँ पे आएगा बिग ब्रिजलाल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के सामने से फिर थोड़ा सा आगे को चलेंगे, वहाँ से भी काफ़ी समय लगेगा, 6-7 किलोमीटर है यहाँ से हल्द्वानी से मंदिर, शीतला मंदिर 7 किलोमीटर समथिंग यहाँ पे नैनीताल वाली रोड में है। तो वहाँ जाने के लिए अभी हम पहुँचे हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी के बाद फिर निकलेंगे काठगोदाम। काठगोदाम से थोड़ा आगे चलेंगे रानीबाग। रानीबाग से थोड़ा आगे फिर शीतला मंदिर का मेन गेट है। थोड़ा सा वहाँ पे पार्किंग की सुविधा काफ़ी अच्छी है, तो अभी हम निकलते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये सामने आप देख रहे होंगे ब्रिजलाल हॉस्पिटल है, हल्द्वानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। काफ़ी एक से एक यहाँ पे डॉक्टर हैं, सब इलाज हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो थोड़ा सा हम आए को चलें, यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे, यहाँ पे मॉल और यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है, ये सामने वी मार्ट है या। दोस्तों फिलहाल मैं शीतला मंदिर से प्रवेश कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन द्वार है यहाँ पे और यहीं से हम अंदर को जाएंगे। दोस्तों फिलहाल मैं अभी यहाँ पे शीतला मंदिर पे आया था, शीतला मंदिर से थोड़ा सा अंदर को जा रहा हूँ। ये रास्ता है, थोड़ा अभी तक खड़ंचा बन रहा है, मतलब अभी तक
कंप्लीट नहीं हो रखा काम यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आप लोग को थोड़ा सा बैक कमरा करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप देखिए अभी ये रास्ता बन रहा है, समथिंग है, अभी तक बना नहीं है पूरा। इसमें देख लोगे सीमेंटेड पड़ रहा है और काफ़ी ऊंचाई तक जाना है भाई साहब, काफ़ी लंबा सफ़र है ये। देखो भाई साहब ऐसे थकान हो गई ना मुझे, क्या बताऊँ। और शाम को आने वाला है काफ़ी ज़बरदस्त ब्लॉग आएगा आज। शीतला माता की जय हो, जय शीतला माता की। आज माँ ने बुला ही दिया दोस्तों मुझे यहाँ। कब से सोच रखा था कि मैं शीतला माता का मंदिर का ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन आज सुनी लिया माता ने। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे को और वहाँ के दृश्य कराऊंगा मैं। ये देखो जय माता की जय हो। तो अभी सामने पहुँचने वाले हैं हम, थोड़ा सा बच गया यहाँ से आप, है ना। पहले आया था मैं, एक बार पहले आया था, बहुत पहले, लेकिन आप यहाँ का कैसा आया करके वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे बाबा जी भी हैं अभी फ़िलहाल। आज शीतला माता के दर्शन करा के जाते हैं दोस्तों। ये देखो काफ़ी अच्छी, पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे हैं। जय हो जय हो जय हो बाबा की जय हो। बाबा अभी आ गए थोड़ी देर के बाद, पहले हम माता के दर्शन करा के आते हैं। तो अभी यहाँ पे बाबा जी माँ के दर्शन करने, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करके भी जा रहे हैं। डांस वांस भी प्रोग्राम चल ही रहा है मतलब यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो माता के मंदिर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हुए। तो अभी थोड़ा सा जस्ट सामने है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे पेड़ों के बीच में काफ़ी अच्छा मंदिर है माता के मंदिर में। तो आप देखिए काफ़ी अच्छी सुविधा, पानी की भी सुविधा, यहाँ खाने पीने की भी सुविधा होती है। थोड़ा ऊपर को चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा है करके यहाँ। हाँ हाँ ये देखो पेड़ देख रहे होंगे, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। जय माता की जय हो, जय बजरंग बली जी। इनके लिए सर फल फ्रूट होता था, फल फ्रूट खिलाते। जय हो जय हो जय हो। ये देखो सामने से दिखा रहा हूँ मैं इनको, मुझे काफ़ी अच्छी। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ शीतला मंदिर पे, माता के दर्शन मेन गेट पे पहुँचा हूँ अभी फिलहाल। इसके अंदर प्रवेश करूँगा फिर आप लोगों को दिखाऊँगा माता के दर्शन। ये है फ्रंट गेट, फ्रंट गेट से यहाँ पे माता के दर्शन हो जाएंगे आप लोगों को। जय माता की जय हो। तो यही है फिर माता यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे शनिदेव जी के दर्शन करेंगे, काफ़ी बड़ा पेड़ है। इसके बाद सीसीटीवी के सामने से जाने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हनुमान जी का भी मंदिर बनेगा। उफ़ उफ़ तो भी थोड़ा सा अंदर तो जाऊंगा नहीं मैं, है ना, थोड़ा सा यहीं पे शूट कर लेता हूँ। जय माता दी जय। तो यहाँ पे देखिए ये कुंडे हैं यहाँ पे, पंडित जी यहाँ पे बैठते हैं और माता जी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देख रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ये माता जी हैं। जय माता दी जय हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं माता के दर्शन तो कर लिए मैंने यहाँ पे, अंदर तो जाऊंगा नहीं फिलहाल मैं, है ना। तो यहीं से दर्शन कर रहा हूँ और यहीं से दर्शन करने के बाद निकलूँगा फिलहाल। ये देखिए काफ़ी श्रद्धालु भी आए हैं यहाँ पे, माता के भी दर्शन हो रहे हैं। पता नहीं यहाँ क्या है ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे जय हो जय हो जय हो जय हो। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पर भी देखिए काफ़ी अच्छा सीनरी, फ़ोटो वोटो लगा रखी, काफ़ी ज़बरदस्त
और यही है फिर यहाँ पे शीतला माता का मंदिर यहीं पे है, ऐसा ही है यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा कर रखा है। आज समथिंग यहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु नहीं आए हुए हैं, कम आए हैं, वो समथिंग 1-2 बज चुके हैं, सुबह आए होंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे आए हैं, मंदिर पे आए हैं, काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे एक मान्यता मानी जाती है कि जब छोटे छोटे बच्चों को किसी को भी चिकन फॉक्स हो जाता है तो यहाँ पे आते तो माता की कृपा से सब सही हो जाता है। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अभी मैं गया हूँ शीतला मंदिर पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गणेश जी, हनुमान जी और यहाँ पे काफ़ी मंदिर है, और यहाँ पे शीतला माता का भी मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करिए, यहाँ पे पंडित जी भी यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा शीतला मंदिर के यहाँ पे कैसे हुआ था करके ना, तो दोस्तों जो भी ये लोग आते हैं उनको यहाँ पे कोई भी बीमारी होती है, जैसे कि यहाँ पे चिकन फॉक्स हो गए बच्चे को, बच्चे लोग को होता, किसी को भी होता है, तो यहाँ पे आने के बाद शीतला माता के दर्शन करने पे सही हो जाते हैं, मतलब चर्म रोग जो भी होता है यहाँ आने के बाद सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी सालों पुराना मंदिर है, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी आप लोगों के जो भी मनोकामना होंगी, मनोकामना यहाँ करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पे देखिए नंदी गाय भी है और हनुमान जी के 2 गण यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है आज, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी आइए, ऊपर थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे जंगलों के बीच में शीतला माता के यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे बैक साइड जाएंगे तो आप आपको यहाँ पे शिव जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया, अब यहाँ से हम पंडित यहाँ पे बाबा जी आए हैं, बाबा जी यहाँ पे थोड़ा टीका वीका लगाएंगे, आप लोग देखिए। जय माता, जय माता की जय हो, भला कर देना माता की जय हो। तो यहाँ पे एक ही लगा रहे हो ना? अरे गर्मी इतनी हो रही है, जय राधे राधे राधे। आप कितना लगा रहे हो भाई साहब? ये देख लो मेरा तो कपाल जो है ना भाई साहब, रक्षा कवच भी बांध रहे हो क्या? ये देखो बाबा जी रक्षा कवच भी बांध रहे हैं, जय माता दी की। काली माता का भी नाम ले लो फिर। हाँ हमारी काली माता हुई ना। जय हो जय हो जय हो। तो यहाँ पे सारे भगवानों के नाम इन्होंने बताए दिए, भी हमारी काली माता हुई और जो भी हुए हमारे कुल। हाँ जय हो जय हो जय हो। अच्छा अच्छा झूला देवी की जय हो, बिल माता की शीतला माता की जय हो। तो दोस्तों जय हो जय हो। चलो ठीक 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 जय हो। तो दोस्तों आप लोग भी आइए यहाँ पे, आइए शीतला मंदिर के दर्शन जरूर करिए। यहाँ पे जो लोग नहीं आए, हल्द्वानी से काफ़ी काठगोदाम से 1 किलोमीटर होगा, 1-2 किलोमीटर होगा, समथिंग 2 किलोमीटर समथिंग है। आप लोग आइए यहाँ पे शीतला माता के दर्शन करिए। यहाँ पे देखिए पंडित जी ने भी थोड़ा सा यहाँ के बारे में बता दिया, फिर बाबा जी ने, पंडित जी तो वहाँ पे मिला ही नहीं, मैं पंडित जी तो थे ही नहीं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी समय है। ओके ऐसा करो, ऐसा जय बोले लाइक शेयर कमेंट करो, करो बोलो। हाँ तो बाबा जी करें लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय माता की। यहाँ पे आंटी बैठी हुई है, देख रही है आंटी, काफ़ी यहाँ पे बहुत धूप लगी है, तो छाया में बैठ जाती ना, छाया में बैठ जाते, यहाँ पे धूप लगी है, तो यहाँ पे छाया में नहीं बैठनी है, यहाँ पे धूप लगी है, पानी आनी भी है। चलो पानी लेके आए हैं, बोतल में पानी लेके आए हैं, तो जैसे मेरी मम्मी के उम्र के हैं, देख रहे होंगे दोस्तों आप, तो काफ़ी वो लग रहा है, मतलब अब क्या कहूँ मैं। खाना खाया नहीं खाया आपने? नहीं, बिस्कुट खाती। अच्छा बिस्कुट खाते हो आप? हाँ।
तो ऐसा कह रहे हैं कि ये बिस्कुट खाते हैं करके इनके साथ मम्मी जैसी लग, मेरी मम्मी की उम्र के हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके साथ वीडियो शूट कर लिया। ठीक है फिर, हाँ मुझे आशीर्वाद दे दो, यहाँ शर्मा आता तो जय माता दी। तो यहाँ पे हम माता के दर्शन थे, तो अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे भी दर्शन हो गए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा। जय हो, जय माता की जय हो, जय बिरला माता की जय हो। दोस्तों अभी मैं आया हूँ बिरला मंदिर के माता के मंदिर, लिखा हुआ आ रहा है ना पूरा, जय माता की जय हो। बिरला बना रही तो थोड़ा सा इस साइड घुमा दो, हाँ तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें पहाड़ी मंदिर ब्लॉग। चलो हो गया, सर आर्डर कर रहा है, सब आ जाओ।